अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग है ये है सिर्फ़ और सिर्फ जवाब मसला नंबर 156 का, जो इंजीनियर मिर्ज़ा साहब ने रिकॉर्डिंग करवाई थी, जिसमें उन्होंने बहुत सारे मुख्तलिफ टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की, जिसमें एक गदीर के हवाले से था, जिसमें उन्होंने मौला के जो मतलब लिए हैं हम उस पर बात करेंगे। मैं ये पहली बात कह दूँ कि मैंने इनके वेबसाइट पर जितने भी व्हाट्सएप पे नंबर है मैंने सब पे रब्ता करने की कोशिश की, मुझे कहीं से जवाब नहीं मिला और एक से मुझे गैर मुनासिब जवाब मिला, जिसके बाद मैं ये रिकॉर्डिंग बना रहा हूँ। फिर अब मैं रिकॉर्डिंग करने के बाद मैं एक दफ़ा फिर उन तमाम नंबर्स पर भी ये लिंक सेंड करूँगा और ईमेल भी करूँगा मैं मिर्ज़ा साहब को। तो अब हम सबसे पहले सुनते हैं कि उन्होंने उस बयान में क्या कहा है। यह है इंजीनियर साहब की वो रिकॉर्डिंग, मसला नंबर 156 ये ऊपर शो हो रहा है, अब हम ज़रा उसको सुनते हैं। तीसरा तरीक इमाम इब्ने अबी आसिम की किताब अस-सुन्ना 1158 नंबर हदीस है। सैयदना अली रजी अल्लाह तआला ने खुद रावी हैं कि गदीर खुम पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा करके कहा कि ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम अल्लाह को रब मानते हो, मुझे अपना पैगंबर मानते हो? सबने कहा भला या रसूल, क्यों नहीं? फिर कहा क्या तुम अल्लाह और उसके रसूल को सब लोगों से बढ़कर महबूब समझते हो? उन्होंने कहा क्यों नहीं? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर अगर तुम मुझे और अल्लाह को महबूब रखते हो, फिर फरमाया मन कुंतु मौलाहू फहादा अलीयुन मौलाहू, फिर जिसका मौला मैं उसका मौला अली। जिगरी यार, मौला का मतलब जिगरी यार, जिसने सूरह अत-तहरीम की आयत नंबर 4 में आया इन्नल्लाह हुआ मौला हुआ जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन, अल्लाह का अल्लाह के नबी के का मौला है जिब्रील, फरिश्ते और तमाम साले मोमिनीन मौला है, नबी से सरमून के मौला है, वो उनके दिली महबूब है। हम अपने मौलवियों को भी मौला ना कह रहे होते हैं ना, दिली महबूब, मुश्किल कुछ आगे माना नहीं होता, दिली महबूब, जिगरी यार, बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, चौथा तरीक सुनन निसाई अल कुबरा में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 8478 सैयदना अबू तुफैल आमिर बिन वासिला रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये वो सहाबी हैं जो सबसे आखिर में फौत हुए हैं 110 हिजरी में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद 100 साल तक जिंदा रहे हैं ये अबू तुफैल आमिर बिन वासिला, जंगे जमल सिफीन नहरवान में सैयदना अली के साथ रहे हैं। किधर 37 हिजरी में जाके जंगे जमल सिफीन हो रही है और किधर 110 हिजरी में ये फौत हुए हैं। और इनकी हदीसें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी रवायत हैं और सैयदना अली से भी इन्होंने कई हदीसें रवायत की हैं। वो कहते हैं कि खुले मैदान में सैयदना अली रजी अल्लाह तआला उन्होंने ये सिफीन का ही मौका था, पब्लिक को जमा किया अपने मानने वालों को जो साथ थे, शियाने अली, शिये का मतलब है ग्रोह के बंदे। तो फिर उनसे वो हदीस बयान की कि जरा मुझे बताओ ना कि तुम लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस सुनी थी, तो कई लोग गवाही के लिए खड़े हो गए। फिर वो पूरी हदीस बयान की जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अन नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनीन की जानों पर उनकी जानों से बढ़कर हक रखते हैं और नबी की बीवियां उम्मत की माएँ हैं। इस आयत के तहत ऐ सहाबा इकराम, ऐ मेरे उम्मतियों, क्या तुम मुझे सबसे बढ़कर महबूब रखते हो? सबने कहा भला या रसूलल्लाह। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली का हाथ पकड़ा, यूं बुलंद किया सहाबा में और कहा मन कुंतु मौलाहू फहादा अलीयुन मौलाहू, फिर जिसका जिगरी यार मैं उसका जिगरी यार अली भी होने चाहिए, हाथ पकड़कर। अच्छा, अबू तुफैल आमिर बिन वासिला कहते हैं ये हदीस जब मैंने सैयदना अली से सुनी तो मैं हिल गया, मैं मेरे दिल में कलक था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी बात की हजरत अली के बारे में और सहाबा इकराम ने रिदवान ने गवाही दी। इसमें आगे अल्फाज ये मौजूद हैं कि इसमें ही अल्फाज मौजूद हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हालत में कहा ऐ अल्लाह, जो अली से मोहब्बत रखे उससे मोहब्बत रख, जो अली से दुश्मनी रखे उससे तू भी दुश्मनी रख, ये बहुत बड़ी बात है। तो अभी हम यहीं तक सुनते हैं, ये इनकी कुछ लगभग 1.5 घंटे की इनकी ये वीडियो है और ये मैंने कंप्लीट इनका मसला सुना है। बात ये नहीं है कि ये मसला मैंने नहीं सुना, एक छोटी सी बीच में से क्लिप ले रहा हूँ मैं सिर्फ, और ये चूँकि मैं इसे जवाब दे रहा हूँ मिर्ज़ा साहब को खुद, तो वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं उन्होंने इस पर क्या बात कही है। जो चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि मिर्ज़ा साहब ने जो इसमें मायने दिए हैं मौला के, उसमें सबसे पहला जो मायने उन्होंने दिया है वो दिया है दिली महबूब, बिलवड फ्रेंड, जिगरी दोस्त, बेस्ट फ्रेंड, दिली महबूब, हर दिल अज़ीज़, इसका मतलब दिया है। और
इन्होंने एक और मतलब दिया है, अगर आप इनके कंप्लीट ये वीडियो सुनेंगे, और चूंकि मिर्ज़ा साहब ये आपके लिए है, तो आपने कहा है कि यहाँ से मुश्किल कुशा का मतलब साबित नहीं होता और मुश्किल कुशा का मतलब नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि कोई शिया आलिम या कोई शिया पैरोकार ये नहीं कहता कि गदीर से ये साबित हुआ कि हज़रत अली मुश्किल कुशा है, कोई भी नहीं कहता। यहाँ से हज़रत अली की विलायत को साबित किया जाता है, यहाँ से हज़रत अली के मुश्किल कुशा होने को साबित ही नहीं किया जाता। इसलिए आपने ये जो मतलब यहाँ पे लिया है मुश्किल कुशा का, ये तो है ही गलत, इस पे तो कोई बात ही नहीं है। अब से रह गई बात इस पे कि दिली महबूब, बेस्ट फ्रेंड, यार, क्या ये सब भी मायने हैं मौला के या नहीं है? बिल्कुल होंगे मौला के ये सारे मायने, उससे कोई इनकार नहीं है। मौला के बहुत से मायने निकलते हैं, वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, जो अरबी जानता है उसको सब पता है कि मौला के कितने मायने हैं। मगर क्या यहाँ पर मौला का मतलब ये सब थे, जिगरी यार, बेस्ट फ्रेंड और ये सब कुछ? अब हम इस पे देखेंगे। ये है वो रेफरेंसेस जो मैंने भेजे थे, उन्होंने जो लेटेस्ट नंबर ऐड करवाया था अपने पास, के उनके एक वीडियो में है कि उन्होंने कहा है कि ये नए साहब हैं जो उनको मिले हैं, काफ़ी उनकी तारीफ़ की उन्होंने उसमें, और कहा कि आपको जितने भी मसले मसाइल आप उनसे पूछें। तो इनका नाम है गुलाम मोहिउद्दीन, अगर मैं गलत नाम नहीं ले रहा हूँ तो। तो मैंने खैर इनसे रابطہ किया, मुझे काफ़ी इनसे डिसअपॉइंटमेंट हुई वो अपनी जगह पर। तो मैंने उनको ये रेफरेंसेस दिए, मैंने कहा अगर आप ये कहते हो कि रसूल खुदा ने जब वर्ड मौला इस्तेमाल किया, इसका मतलब है जिगरी यार, दिली महबूब, दोस्त, बेस्ट फ्रेंड, इन्होंने बेस्ट फ्रेंड का वर्ड इस्तेमाल किया है, अगर ये मायने हैं तो फिर सही बुखारी, सही मुस्लिम, मिश्कात शरीफ, इब्ने माजा, इनमें जो ये अहादीस आई हैं जिसमें रसूल खुदा ने रद्द किया है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, ये उनके रेफरेंसेस हैं। अभी हम सिर्फ बुखारी और हम सही मुस्लिम में देखेंगे कि क्या जो मैं बात कह रहा हूँ या जो मैं रेफरेंसेस दे रहा हूँ ये सही है कि नहीं, हम हर रेफरेंस को चेक नहीं करेंगे। यह है सही बुखारी जिल्द नंबर 3, उसमें ये बाब है, मैंने रेफरेंसेस सब दिए, मैं सिर्फ डायरेक्ट हदीस यहाँ पे पढ़ूंगा कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अगर मैं अपनी उम्मत में से किसी को खलील बनाता तो ज़रूर अबू बकर को खलील बनाता, लेकिन वो मेरे दीनी भाई और मेरे सहाबी हैं। अगर मैं खलील बनाता, और खलील का मतलब दोस्त होता है, अब अगर खलील का मतलब अरबी ज़बान में कुछ और है तो अगर मैं गलत हूँ मेरी इसलाह कर दीजिए आप। मैं ओपन हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि जी मैं बहुत बिज़ी होता हूँ, मैं इसलाह नहीं करूँगा अपनी, मैं इसलाह करने के लिए तैयार हूँ, मगर ये रसूल खुदा की हदीस है सही बुखारी के अंदर। सही मुस्लिम के अंदर जो हदीस है वो ये है कि अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं किसी को अपना जानी दोस्त बनाता सिवाय खुदा के तो अबू बकर सिद्दीक को बनाता, लेकिन वो मेरे भाई और मेरे साहबी हैं और तुम्हारे साहिब को अल्लाह ने खलील बनाया है। ये सही मुस्लिम की है, और सही बुखारी और सही मुस्लिम की अहादीस पर तो 99% इंजीनियर मिर्ज़ा साहब का खुद का अकीदा है। तो जब उनका खुद का अकीदा है तो वो खुद कैसे कह रहे हैं कि मौला का मतलब जिगरी यार, जिगरी महबूब, जिगरी, यानी अगर हम बोलेंगे रसूल खुदा हमारे दोस्त हैं तो रसूल खुदा बोलेंगे नहीं जी मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, ये रिलेशन कैसे होता है? कहने से तो बात साबित नहीं होती है ना, अगर रसूल खुदा कह रहे हैं कि जिसका मैं दोस्त, और फिर एक हदीस में रसूल खुदा खुद डिनाई भी इसको कर रहे हैं कि नहीं जी मैं तो किसी का दोस्त ही नहीं हूँ, तो खुदारा ये जुल्म सितम ना करें खुदारा। ये दूसरे रेफरेंसेज हैं, ये भी मैंने गुलाम मोहिउद्दीन साहब को दिए थे, मगर फिर वही बात, डिसअपॉइंटमेंट। यहाँ पर मौला के मतलब ना मुश्किल कुशा है, मौला के मतलब ना यहाँ पर दिली यार, दिली महबूब, जिगरी यार, बेस्ट फ्रेंड कुछ नहीं है। यहाँ पे मौला के मतलब है आका, यहाँ पे मौला के मतलब है आका के, और यहाँ पे मौला का मतलब जो आका है वो अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल भी नहीं हो रहा। अब हम ये देखते हैं, तो अहमद इब्ने हम्बल के अंदर, इसके वॉल्यूम 11 के अंदर, ये 55 पेज नंबर पे ये हदीस है। वैसे तो बाकी जितने भी रेफरेंसेज है वो सब मैं दे चुका हूँ, हम सिर्फ एक हदीस की तरफ आएंगे। ये रही हदीस, इसका यह है तर्जुमा 24709 का। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई औरत अपने आका की इजाज़त के बगैर निकाह करे तो उसका निकाह बातिल है, बातिल है, बातिल है।
अरबी में जो यहाँ पे वर्ड है, अगर मैं गलत हूँ तो इंजीनियर मिर्ज़ा साहब प्लीज़ आप मेरी रहनुमाई फरमाइए। बिगैरी अमरी मौलाहा, मौला का वर्ड है, तर्जुमा लिया है आका का। अब यहाँ तो आप बोलेंगे यहाँ पे आका का मुराद अल्लाह ताला है, तो कोई खातून अल्लाह ताला से परमिशन नहीं लेती है। अगर आप कहें कि नहीं जी मौला का मतलब आका नहीं होता, दिली महबूब होता है, तो कौन सी खातून अपने दिली महबूब से इजाज़त लेती है, या कौन सी खातून अपने बेस्ट फ्रेंड से इजाज़त लेती है? तो सवाल सिर्फ ये है कि अगर मौला का मतलब आका भी होता है, तो इंजीनियर मिर्ज़ा साहब को जब मतलब अखज़ करना था तो इन्होंने आका को कंसीडर क्यों नहीं किया? मुश्किल कुशा को उन्होंने कंसीडर करके रद्द कर दिया, दिली महबूब, बेस्ट फ्रेंड, वो सब इन्होंने लगा दिए, जिस पर रसूल खुदा रद्द कर चुके अपने हदीस पर। और एक और भी मतलब निकलता, वो ये हदीस है कि बीवी आयशा बयान फरमा रही है, ठीक है, तो मतलब आप दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि उनके उलमा डंडी मारते हैं, उनके उलमा जो है वो ईमानदारी से तर्जुमे नहीं करते या बात आगे तक नहीं पहुंचाते, तो फिर ये भी अहादीस हैं। तो ये जो दूसरा मतलब भी जो दिया इंजीनियर मिर्ज़ा साहब ने, ये भी गलत साबित हुआ, और ये मैं अपनी मर्ज़ी से गलत साबित नहीं कर रहा हूँ। दिली महबूब, बेस्ट फ्रेंड, वो रसूल खुदा की हदीस से बातिल हो गया ये मतलब। या तो आप कह दें कि वो सारी की सारी हदीसें गलत हैं, जो भी है, मुश्किल कुशा का मतलब कोई शिया लेता नहीं है, दिली महबूब और ये सारी जो मतलब दिए हैं वो एक हदीस से खुद रद्द हो गए। एक नया मतलब है जो मेरे जैसा जाहिल आदमी जिसको अरबी नहीं पता, हमने अगर दो चार हदीसें देख ली और अगर हमें उसमें दिख गया कि मौला का मतलब एक आका भी होता है, तो फिर आका इस्तेमाल क्यों नहीं होता मतलब यहाँ पर? क्योंकि इसकी वजह यह है, अगर आप आका इस्तेमाल करेंगे तो फिर हज़रत अली का मौला होना यानी आका होना, सुपीरियर होना हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक, उन पर भी आ जाएगा। मगर मैं यहाँ पर वसी रसूल खलीफा होने की डिबेट नहीं कर रहा हूँ, और खुदा रहा मौला के वर्ड का मतलब जब करना हो या जब इस हदीस मन कुंतु मौला फ़ाहज़ा अली मौला का मतलब लेना हो, तो ये ना देखें कि हज़रत अली पर मौला का मतलब क्या फिट करना है, ये देखें कि रसूल खुदा ने किस कॉन्टेक्स्ट में लिया है। हमें ये देखना होगा रसूल खुदा किस कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हैं। अब इससे पहले कि मैं मोहर लगा दूं कि मौला का मतलब मन कुंतु मौला फ़ाहज़ा अली मौला में हेड, लीडर या आका के हैं, हम कुरानी आयत का सहारा लेंगे। पहले मैं यहाँ पर ज़रा मुख्तसरन कह दूँ, अगर इंजीनियर मिर्ज़ा साहब मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो इंजीनियर मिर्ज़ा साहब ने इस वाक़े में कि रसूल खुदा ने कुरान की आयत की तिलावत की और उसके बाद ये हदीस बयान की, उसके बीच में रसूल खुदा ने कुछ कहा है, मेरे हिसाब से वो सब मिर्ज़ा साहब का एडिशन है, कि जहाँ पर बार बार उन्होंने ये बात इम्पोज़ करने की कोशिश की, रसूल खुदा ने कहा कि क्या तुम मुझे सबसे ज़्यादा महबूब रखते हो, ऐसा कुछ आज तक मैंने रीड नहीं किया। तो अगर इंजीनियर मिर्ज़ा साहब के पास इसका कोई रेफरेंस है, सही रिवायत है, अगर रसूल खुदा ने कहा कि भाई आयत रीड की और आयत रीड करने के बाद कहा कि क्या तुम मुझे महबूब रखते हो, अगर इस तरह का कोई है तो वो मुझे हदीस मुझे बता दें मेरी हिदायत के लिए। पर अब हम जाते हैं कुरान की आयत की तरफ, जिनका सहारा इन्होंने लिया है, पर मेरे हिसाब से वहाँ पर भी इन्होंने गलत मतलब किया। हम सब एक बात जानते हैं कि अरबिक वर्ड्स के कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं या शायद बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं कि जिनके बहुत से मायने निकलते हैं, तो वह आप जुमले की तर्तीब के हिसाब से या आप उस वक्त देखते हैं कि मौके पे बात क्या हो रही है, उसके हिसाब से आप मायने निकालते हैं। आप ये नहीं करते कि बात कुछ भी हो रही है, मायना आप खुद सोचेंगे अपने जहन में, फिर आप उसको फिट करेंगे। इंजीनियर मिर्ज़ा साहब ने भी कहा कि रसूल खुदा ने पहले एक कुरान की आयत की तिलावत की है और उसके बाद वो हदीस है, बीच में कोई बातचीत नहीं है, रसूल खुदा ने एक आयत की तिलावत की, अन नबीयु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, ये आयत की तिलावत हुई है, इसके बाद इकरार किया अस्हाब ने और रसूल खुदा ने कहा है कि मन कुंतु मौला, रसूल खुदा ने बीच में ये कोई बात नहीं की कि मैं क्या तुम मुझे सबसे ज़्यादा महबूब मानते हो या नहीं मानते। अगर रसूल खुदा ने वो कोई बात की है और ये साबित हो जाती है, बात इस्टेब्लिश हो जाती है, चाहे अहले सुन्नत की किताब में ही, तो अहले सुन्नत के पास ये हक है कि वो मौला का मतलब दिली महबूब लें, तब भी एतराज़ हो जाएगा दूसरी अहादीस के हिसाब से। मगर जब रसूल खुदा ने यह कहा कि अन नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, ये मैं तफसीर ले रहा हूँ तफसीर कबीर से, तर्जुमा किया है कि पैगंबर मोमिनों पर खुद उनसे भी ज़्यादा हक रखने वाले हैं। आयत का तर्जुमा ये नहीं है कि रसूल खुदा मोमिनीन के सबसे ज़्यादा महबूब तरीन है, हक रखने वाले, हाकमियत की बात हो रही है, सुपीरियर होने की बात हो रही है, कि पैगंबर मोमिनों पर उनकी जानों से ज़्यादा हक रखते हैं, उनसे ज़्यादा सुपीरियर हैं।
तो जब सुपीरियरिटी का इकरार हो गया कि हाँ रसूल खुदा जो है वो सबकी जानों से औला है, उन पे हक रखते हैं, उनके मालिक हैं, उनके लीडर हैं, उनके सरदार हैं, तो रसूल खुदा ने उसी कॉन्टेक्स्ट में फिर कहा है मन कुन तो मौला, कि अब मैं जिसका मौला हूँ, यानी अब तुम मुझे जिस कॉन्टेक्स्ट में हाकिम ले रहे हो उसी कॉन्टेक्स्ट में अली भी हाकिम है। कभी ये नहीं होता कि एक ऑनर है, एक ऑनर स्पीच दे रहा है सबके सामने, वो कह रहा है कि आज से इस कंपनी का सीईओ ये है, और जिसने इसको मौला मान लिया, नहीं जिसने मुझे मौला मान लिया उसने उसको भी मौला मानना है। तो आप कह रहे हो कि भाई मैं इसको सीईओ बना रहा हूँ, अब तो अगर तुम्हारा मौला मैं हूँ तो ये भी तुम्हारा मौला है, तो विच मीन्स वॉट, वो ऑनर बात कर रहा है, ऑनर कह रहा है कि भाई मैं तुम्हारा मालिक हूँ तो अब ये भी तुम्हारा मालिक है, अब तुम इसके आगे चूंचा नहीं करोगे, अब आप बात ये नहीं करोगे कि लोग ये बोलेंगे सारे एम्प्लॉयज़ के हाँ जी वो मालिक ने बहुत अच्छी स्पीच दी, मालिक ने बोला कि तुम मुझे मालिक मानते हो, हमने कहा हाँ जी मानते हैं, तो मालिक ने कहा कि ठीक है फिर जो मुझे मालिक मानता है तो अब मैं तुम्हारा भी दोस्त हो गया, ये सीईओ भी तुम्हारा दोस्त हो गया, ये बात तो कहीं नहीं होती। पर खैर हर कोई अपने मतलब लेने में आज़ाद है। इसके अलावा एक और आयत का भी जिक्र किया है सूरह तहरीम की, मिर्ज़ा साहब ने वहाँ पे भी दिली महबूब का इन्होंने वर्ड लिया है, और मुझे उससे इख्तिलाफ़ है, और शदीद तरीन इख्तिलाफ़ है मुझे उनसे कि उन्होंने वर्ड मौला का मतलब दिली महबूब क्यों लिया, क्योंकि मैं आपको फिर बताऊँ, ये रही वो, फिर मैं बता रहा हूँ कि ये शिया कुरान नहीं है, न शिया ट्रांसलेटेड कुरान है, ये वो आयत है और इसका तर्जुमा जो है यकीनन तुम्हारे दिल कज हो गए हैं, और तुम अगर नबी के खिलाफ एक दूसरे की मदद मदद करोगी, यानी अल्लाह ताला फरमा रहा है अपने नबी की दो बीवियों से कि अगर तुम नबी के खिलाफ एक दूसरे की मदद करोगी, आपके सामने कॉन्टेक्स्ट इस्टेब्लिश हो गया है, ये अल्लाह ताला नहीं फरमा रहा है कि अगर तुम एक दूसरे से मोहब्बत करोगी, अल्लाह ताला कह रहा है अगर तुम नबी के खिलाफ एक दूसरे की मदद करोगी बस यकीनन उसका कारसाज अल्लाह है और जिब्राइल है और नेक ईमानदार और उनके अलावा फरिश्ते भी मदद करने वाले हैं, मददगार की बात हो रही है। अब यहाँ पर वो वाले मुश्किल कुछ है कि हम बात नहीं कर रहे कि जो हमेशा से है हमेशा रहेगा, वो सिर्फ अल्लाह की ज़्यादा हम उसकी बात नहीं कर रहे। इस आयत के अंदर बात मैं नबी की वाइफ के ऊपर मैं नहीं रख रहा हूँ, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला यहाँ पे फरमा रहा है कि फिर अल्लाह मददगार है, जिब्राइल व सालिहुल मोमिनीन, नेक और सालेह मोमिन, सिर्फ अल्लाह ताला ये नहीं कह रहा है कि मोमिन मोमिनों में भी जो नेक और सालेह मोमिन होंगे वो रसूल खुदा की मदद करेंगे, दिली महबूब का मतलब नहीं है। मगर इसके बाद भी अगर इंजीनियर मिर्ज़ा साहब को लगता है कि उनका मसला नंबर 156 बिल्कुल ठीक है तो ठीक है, वो उसी बात पे कायम रहे, मगर ये उनका मुकम्मल तौर पे मसला सुनने के बाद जो बात सामने आई मेरे, वो मैंने उनके आगे रखने की कोशिश की। मुझे नहीं पता कि इस गुमनाम शख्स की आवाज़ कब जाएगा उन तक पहुंचती है, क्योंकि उन्होंने जो रिसोर्सेज बताए थे वहाँ से तो कोई पहुँचाता नहीं है, और मुझे ब्लॉक भी कर दिया गया, मैं वो बिलावजा दिखाना नहीं चाह रहा, पर वो सारी चीज़ें मैं मिर्ज़ा साहब को ज़रूर भेजूँगा, इंजीनियर मिर्ज़ा साहब को, इंशाल्लाह ताला अगर परवरदिगार ने चाहा तो वो ज़रूर इस क्लिप को देख पाएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो खुदारा मेरी हिदायत कीजिए, मुझे सही रास्ते पर लाइए, शुक्रिया।